हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के चौथे चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो बहुत बार आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। वह है अभिक्रिया के वेग स्थिरांक या कोटि या आणविकता को परिभाषित करें और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करें। ये अलग अलग टाइप से क्वेश्चन है, जैसे मैं बता रहा हूं एक क्वेश्चन होगा अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को परिभाषित करें, केवल वेग स्थिरांक को परिभाषित करें और उसके आधार पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करें, एक ये है। दूसरा है अभिक्रिया की कोटि या आणविकता को परिभाषित करें और इसके आधार पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करें। और तीसरा डायरेक्ट पूछ सकता है प्रथम कोटि के अभिक्रिया का एक उदाहरण दें और इसके आधार पर हमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करना, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप से क्वेश्चन रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, इस सारे क्वेश्चन को एक साथ अराइज कर दिया कि आप लोगों को कभी भी कोई आए, अगर वेग स्थिरांक का डिफिनेशन है वो दे दीजिए, कोटि का डिफिनेशन है कोटि दे दीजिए, आणविकता का डिफिनेशन है आणविकता दे दीजिए, और तब आप प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक का मान प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेग स्थिरांक क्या है भाई? तो पहले वेग स्थिरांक के डिफिनेशन से पहले मैंने आपको वेग समीकरण बताया था। वेग समीकरण क्या होता है? तो वेग समीकरण होता है वेग समानुपाती सांद्रता की घात मीन्स ए पावर बी, वेग समानुपाती ए पावर एक्स इंटू बी पावर वाई। ये समानुपाती हटा के मैंने बताया था कि एक नियतांक ऐड कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है के से, यही समानुपाती स्थिरांक है, इसी को वेग स्थिरांक कहा जाता है। यही हमारा ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसी को वेग स्थिरांक कहा जाता है। और जो ये पार्ट है वेग स्थिरांक पे ही सारा डिपेंडेंट है, इसलिए आप लोगों को इस के को वीवीआई तौर पे याद रखना है कि के क्या है। तो के एक समानुपाती नियतांक है जिसे वेग स्थिरांक कहते हैं। तो देखिए हम वेग समीकरण से वेग समानुपाती के, वेग इक्वल टू के ए पावर एक्स इंटू बी पावर वाई। ए पावर एक्स और बी पावर एक्स सांद्रता है, किसकी? अभिकारक की। अगर हम लोग ए पावर एक्स और बी पावर वाई को एक मान लें, मीन्स ये इसके बराबर के वाला जो भी पार्ट है उसको एक मान लें, तो वेग बराबर क्या हो जाएगा? के, क्योंकि ये भी एक दोनों कट गया, वेग बराबर क्या हो जाएगा? के। मीन्स वेग किसके बराबर है? वेग स्थिरांक के बराबर है, मतलब वेग स्थिरांक वेग के बराबर है। अर्थात यदि किसी अभिक्रिया में प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता एक हो, मतलब इकाई हो, तो अभिक्रिया के वेग को वेग स्थिरांक कहते हैं। मतलब ये दोनों एक होगा तो जो वेग होगा वही वेग स्थिरांक के बराबर होगा। तो फर्स्ट नंबर तो वेग स्थिरांक का डेफिनेशन यहां निकल गया। सेकंड नंबर है अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं? कोटि, कोटि क्या होता है? तो किसी अभी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले या में प्रयुक्त सांद्रताओं के घातांकों के योग को अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा था? तो आपने देखा था ये सांद्रता है, ए और बी क्या है? सांद्रता है अभिकारक की। और ये जो पावर देख रहे हैं यही ना घात है, इन घात को अगर हम जोड़ दें मीन्स एक्स प्लस वाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा? अभिक्रिया की कोटि। अर्थात अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी? दोनों की घात के योग के बराबर होगा। अब आप बोलिएगा कि दोनों हो सकता है, एक भी अभिकारक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, तो जितना होगी उस पर जितना भी घात होगा उन सबको जोड़ दीजिएगा, वो अभिक्रिया की कोटि बन जाएगी। अगला है अभिक्रिया की आणविकता, इसको अणुकता भी कहा जाता है। ये क्या है? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले स्पीसीज के अणु की न्यूनतम संख्या को उसकी आणविकता कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये है सवाल एनओ, मैं इसको 2 मिटा रहा हूं, ठीक है, एनओ प्लस ओ2 बराबर एनओ2। इसको पहले हम संतुलित करते हैं, एन एन एक बार है, ओ दो है, तीन बार है, यहाँ दो बार है, तो यहाँ दो लगा देंगे तो ओ चार बार हो जाएगा, यहाँ दो लगा देंगे, ये भी क्लियर हो गया। अब ये संतुलित हो गया, जब हम इसको संतुलित कर देते हैं तो उस टाइम में जो अभिकारक की जितनी भी संख्या होगी, जैसे एनओ की संख्या कितनी है? दो, तो दो प्लस ओ ओ2 की संख्या एक, कुछ भी नहीं तो एक है, तो एक, दो प्लस एक बराबर कितना हो गया? तीन। इसी को क्या कहा जाता है? आणविकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसी को? आणविकता कहा जाता है। तो ये तीनों डिफिनेशन मैंने इसीलिए आपको करा दिए कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं, जो टॉपिक हम लोग का मेन था वो क्या है, नीचे तक है ना दिख रहा, वो क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, यही है क्वेश्चन। अब चलिए व्यंजक प्राप्त करते हैं। सबसे पहले कोई एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया ले लेते हैं, तो माना थोड़ा सा छोटा लिख रहे हैं क्योंकि हटाने के लिए, माना कि सामान्य अभिक्रिया ना लिखे हमने, यहां लिख लेते हैं प्रथम कोटि,
की अभिक्रिया आर से पी के लिए, आर से पी के लिए वेग बराबर क्या होगा? वेग बराबर अभी आपने पढ़ा था, वेग बराबर क्या होता है? के इंटू आर पावर एक, प्रथम कोटि है, देखिए आर है, आर की पावर एक, कौन सी कोटि के लिए? प्रथम कोटि के लिए, तो आर पावर वन। और इससे पहले वाला वीडियो आपने देखा था, वहां पे क्या था? आर पावर जीरो था, इसके नीचे तो दिख नहीं रहा होगा, एक लाइन और अट सकता है हमारा, ठीक है। आर पावर कितना? जीरो। तो वेग का मान क्या था अभी पीछे पढ़ा था आपने? माइनस डी आर बट्टा डी टी, यही था शायद, बराबर के आर पावर वन है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, इतना हो गया, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में आपको मैंने शून्य कोटि के लिए जीरो करवाया था, यहाँ प्रथम में एक हो जाएगा। अब यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर जाति को जाति के साथ मिलाइए, आर की जाति इधर है तो उस आर को उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा? माइनस डी, इसको भी दो पार्ट कर देते हैं कि थोड़ा साफ साफ बने, ठीक है। माइनस डी आर, और इसके बट्टा में आर आ जाएगा, दोनों जाति है, और के के और बट्टा में जो डीटी था वो इनटू में डीटी चला जाएगा, ठीक है। ये माइनस इधर अच्छा नहीं लग रहा, माइनस को उधर भेज दिया तो माइनस इधर आ गया, हो गया इतना। अब मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जब अवकल समीकरण प्राप्त होता है तो उसका समाकलन करना होता है, तो यहां पे भी क्या लिखना पड़ेगा? दोनों तरफ समाकलन करने पर, देखिए इसमें कहीं कहीं कुछ जगह पर लाइट के कारण नहीं दिख रहा होगा, तो जब मैं लिख रहा हूँ तो एक बार वहां सुन लीजिएगा तो आपको याद रहेगा वहां क्या है, ठीक है। तो दोनों तरफ क्या करने पर? समाकलन करने पर, तो समाकलन का चिन्ह तो आपको पता ही है, डी आर बट्टा आर, और इधर भी समाकलन, माइनस के डी टी, ठीक है। चलिए अब एक बात दिखाइए, आपने समाकलन का फॉर्मूला अगर पीछे पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि डी एक्स का समाकलन करने पे एक्स प्लस सी होता है, पर एक बट्टा एक्स डी एक्स का करने पर क्या होता है? मैंने आपको बताया था लॉग एक्स होता है, ठीक है। परंतु जब हम केमिस्ट्री का प्रयोग करते हैं तो वहां पे लॉग ना लेकर हम ln का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको बताया था किसका प्रयोग करते हैं? ln को। अभी पीछे तीसरे पार्ट में मैंने इस पे चर्चा भी की थी कि ln का प्रयोग इसलिए करते हैं कि हम लोग प्राकृतिक लघुगणक लेते हैं। कौन सा लघुगणक लेते हैं? प्राकृतिक लघुगणक लेते हैं, इस वजह से हम ln का प्रयोग करते हैं। फिर बाद में हम ln को log में चेंज कर सकते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है 2.303 log x, आप उसको 2.303 से गुणा कर दीजिए, ln जो होगा वो log में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे भी, यहाँ देखिए, देखिए यहाँ पर क्या है, ये समाकलन एक बट्टा आर है और डी आर है, दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, तो आप यहां दिख रहा होगा एक बटा आर है, इसका मान हो जाएगा एल एन आर हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला ये होता है। यहां मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, आपके पास जगह होगा तो बगल में फॉर्मूला लिख सकते हैं। इधर माइनस के बाहर हो गया, और डी टी का जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? टी हो जाएगा अब प्लस सी। पीछे वाला और इसमें क्या अंतर हो रहा है कि पीछे वाले में ये आर नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ आर ही खाली रह रहा था, यहाँ एल एन आर हो गया है, कोई बात नहीं है, सेम टू सेम है। अब पीछे वाले में क्या, शून्य कोटि के लिए क्या किया था हमने, कि यदि माना था यदि t बराबर जीरो हो तो r बराबर क्या हो जाएगा? r नॉट हो जाएगा, मींस t का मान अगर हम शून्य मान लें, कोई भी अभिक्रिया नहीं हुई है, जब अभिक्रिया नहीं होगी तो अभिकारक प्रारंभिक सांद्रता के बराबर होगा, इसी को हम लोग प्रारंभिक सांद्रता कहते हैं। पिछले बार भी मैंने आपको ये बताया था, इसको क्या कहा जाता है? प्रारंभिक सांद्रता कहा जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब इस मान को जब यहां रखिएगा तो एल एन आर की जगह पे आर नॉट हो जाएगा, बराबर माइनस के टी की जगह पे जीरो प्लस सी, इस जीरो से के कैंसिल, खत्म, एल एन आर नॉट बराबर क्या हो जाएगा? सी। सी का मान आ गया इतना, सी का मान इक्वेशन वन में रखने पर, ये वन है, इक्वेशन वन में रखने पर सी का मान जैसे पीछे वाले में रखा था, समीकरण एक में रखने पर, एक में रखिए एल एन आर बराबर माइनस के टी प्लस सी, उसमें रख दीजिए एल एन आर नॉट, इसको इधर बट्टा में ला दीजिएगा, जब ये वाला पार्ट इधर बट्टा में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? एल एन आर, सॉरी बट्टा क्यों होगा यार, ये तो प्लस है,
इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एल एन आर नॉट बराबर माइनस के टी, क्या हो जाएगा माइनस के टी। और आपने एक चीज पढ़ा था, थोड़ा सा आपको बैक में अगर थोड़ा बहुत याद हो तो आपने एक चीज पढ़ा था कि कभी भी अगर किसी भी लॉग के या एलएन के बीच में माइनस होता है, क्या होता है एलएन या लॉग के बीच में क्या होता है माइनस होता है, तो वो एलएन हो जाता है बट्टा में। एलएन किस में हो जाता है, बट्टा में। मींस जैसे मैं एक बात यहां करता हूं एलएन टू प्लस एलएन थ्री, तो इसको दोनों जब प्लस रहेगा तो दोनों एलएन का जो पार्ट है वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब ln 6 हो गया। उसी तरह से यहाँ पर अगर माइनस रहता है तो ये वाला पार्ट बट्टा में आ जाता है ln 2 बटा 3। अब यहाँ पर अगर हम देखें ये माइनस है, इधर आके माइनस इधर अगर हम भेजते हैं तो क्या होगा ln r नॉट आगे हो जाएगा, माइनस ln r हो जाएगा बराबर kt हो जाएगा। और ये दोनों ln को एक साथ मिला देंगे क्या हो जाएगा, ln माइनस है तो ऊपर प्लस वाला रहेगा तो r नॉट ऊपर रहेगा, अब बट्टा कौन रहेगा आर रहेगा बराबर के टी। आपको किसका मान ज्ञात करना है, ओहो एक छोटी सी गलती हो गई, हम लोग को पहले समाकलित वेग समीकरण एक बार लिख देते तो ज्यादा बेहतर रहता। मैं फिर इसको हल्का सा मिटा रहा हूं इसको, तब हम लोग आगे ज्ञात करेंगे। यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां पर एक में जैसे रखा गया तो इस समीकरण में देख रहे हैं, इस समीकरण नंबर दो में देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट R से रिलेटेड है, मतलब इसको पार्ट को हम चर मान ले मतलब y मान ले, बराबर k कांस्टेंट है माइनस k m कांस्टेंट है, t क्या है t समय है इसको भी चर मान ले x, और ये वाला पार्ट r नॉट है कांस्टेंट होगा इसको क्या मान लिया c। तो हमें कैसी समीकरण प्राप्त हो रहा है, कैसा समीकरण प्राप्त हो रहा है, सरल रेखा वाला समीकरण प्राप्त हो रहा है। कौन सा समीकरण प्राप्त हो रहा है, सरल रेखा वाला समीकरण प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे हम हिंदी लिख सकते हैं, ये तो आपको जानकारी के लिए हो गया, मैं हिंदी यहाँ पे क्या लिखूंगा, यदि एल एन आर को वाई अक्ष और टी को एक्स अक्ष मानकर एक आलेख खींचे मानकर एक आलेख खींचे तो आप देख रहे हैं सरल रेखा वाला माइनस हटा दीजिए कि माइनस इसका मान लिया गया तो क्या प्राप्त हो रहा है, एक सरल रेखा पर तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। कैसे देख लीजिए, यहां पर अगर मैं यहां रेखा खींचूं तो यहां देखिए आलेख खींच रहे हैं, ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, वाई अक्ष में हमने क्या माना है एल एन आर माना है और एक्स अक्ष में हमने टी माना है। जब टी का मान जीरो कर दिए, इसका मान जीरो करेंगे तो एल एन आर किसके बराबर होगा, एल एन आर नॉट के, तो इसकी सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या मान लेते हैं एल एन आर नॉट मान लेते हैं। अब क्या होगा यहां से ये धीरे धीरे क्या होगा घटेगा, क्योंकि चिन्ह किसका माइनस है, ये धीरे धीरे घटेगा नीचे की तरफ आएगा, तो ये जब नीचे घटेगा तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है, एक ढाल प्राप्त होगा, इस ढाल का जो मान होगा सेम, जो ढाल किसके बराबर होगा तो यहाँ जो टी का मल्टीप्लाई होगा मीन्स किसके बराबर होगा माइनस के, एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसका ढाल माइनस के तथा एक और पार्ट इसमें लिख लीजिएगा तथा ये जो अंदर का जो पार्ट बन रहा है वो इसके बराबर होगा तथा अंतःखंड, पीछे वाले में मैंने नहीं लिखवाया है, अंतःखंड एल एन आर नॉट प्राप्त होती है जिसका ढाल इतना तथा अंतःखंड इतना होता है। ठीक है, इससे पहले वाले जो सुने कोटि था उसमें एक अंतःखंड छूटा था, वहां अंतःखंड, यहाँ आर नॉट था तो अंतःखंड वहां खाली आर नॉट हो जाएगा, एल एन वाला पार्ट नहीं था, तो उसमें भी वहां ठीक कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, इसका कोई जरूरत नहीं है, आपको सिखाने के लिए मैंने ये किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, C के मान को समीकरण एक में रखने पर जैसे रखा एक इक्वेशन प्राप्त हुआ, यह इक्वेशन दो ही समाकलन वेग समीकरण होता है। ओहो यहाँ पे हिंदी भी तो लिखना पड़ेगा, यह समीकरण प्रथम कोटि की
अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है। ठीक है, ये समाकलित वेग जैसे उसमें लिखा गया था, यहां पे भी हमारे पास ये समाकलित वेग समीकरण कंप्लीट। अब बात आती है कि हम लोग को वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करना है, तो सेम वैसे ही फिर दोबारा से इसको सॉल्व करिए। समीकरण दो से सॉल्व कीजिए, ln r बराबर माइनस के टी प्लस ln r नॉट। आप एक काम ये कीजिए, के टी को उधर भेज दीजिए, तो के टी प्लस का हो जाएगा माइनस इधर आके, ln r नॉट ये प्लस से रहेगा, ये वाला इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा ln r। ठीक है, तो आपको किसका मान ज्ञात करना है, तो शुरुआत में मैंने बताया था k का मान आपको ज्ञात करना है, तो k बराबर क्या हो जाएगा, एक बटा टी, पहले एक मिनट, के टी आपको बताया मैंने ln जब भी होता है तो माइनस बीच में होगा, तो ln बट्टा में हो जाता है, प्लस वाला ऊपर रखाएगा और माइनस वाला नीचे रखाएगा। k बराबर ये t है, बट्टा में हो जाएगा, मतलब एक बटा टी ln r नॉट बट्टा r, यही हमारे पास वेग स्थिरांक का व्यंजक हो जाएगा। पर हमारे पास यहाँ प्राकृतिक लघुगणक है, इसको हम लोग साधारण लघुगणक में चेंज करें, तो मैंने बताया था 2.303 से गुणा कर दीजिएगा बट्टा टी, ln किस में चेंज हो जाएगा, log r नॉट बट्टा r। ठीक है, यही इक्वेशन नंबर जो हमारा 3 प्राप्त है, यही प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक है। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये जो यही है एक फॉर्मूला जो आपका ये बन रहा है, ये सबसे वीवीआई है। क्या होता है, के बराबर प्रथम कोटि के अभिक्रिया के 2.303 बटा टी लॉग आर नॉट बटा आर, सबसे वीवीआई क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ, इसको पहले एक आप साफ सुथरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बिल्कुल साफ दिख रहा है जी। अब यहां ध्यान दीजिए, एक बार मैं फिर से इसको मिलवा दे रहा हूं, ये तो डिफिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आर से पी के लिए आर का मान यहाँ पे पावर 1 हो जाएगा, वेग माइनस डी आर बटा डी टी के आर हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पर कि आर वाले को आर के साइड लाएंगे, तो आर इंटू में इधर के बट्टा में हो जाएगा, बट्टा में आर। ठीक है, यहाँ माइनस जो था मैंने माइनस को इधर भेज दिया, माइनस के डी टी हो गया, दोनों तरफ समाकलन किया, यहाँ बट्टा में आर है जिसे ln r हो जाएगा, माइनस के बाहर हो गया, डी टी का टी और प्लस सी, यदि t बराबर 0 हो तो r बराबर r नॉट मतलब प्रारंभिक सांद्रता के बराबर होगा। इस मान को जब यहाँ रखेंगे, मान रखा गया किस में है, कहाँ t का मान 0 और r नॉट का मान यहाँ रखा गया, तो c बराबर ln r नॉट आ जाएगा। इस c के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे, ln r माइनस के टी बराबर ln r नॉट, समीकरण नंबर 2। यही समीकरण प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है। यहीं तक हमारा आधा क्वेश्चन बन गया, बट इसमें पूछा है वेग स्थिरांक की व्यंजक पूछा है, तो और सॉल्व करेंगे। यदि ln r को y अक्ष तथा t को x अक्ष ln r को y अक्ष माने, तो एक आलेख खींचेंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है, देख रहे हैं, जिसका ढाल माइनस के और अंतःखंड जो टॉपर मान होगा ln r नॉट होता है। समीकरण 2 से जो आपका ये 2 आया, ये समीकरण 2 से ln r माइनस के टी प्लस ln r नॉट, तो आप क्या करो, ln r नॉट यही रहने दो, इसको इधर ला दो, यहाँ माइनस का चिन्ह तो बटा में r हो जाएगा, और इंटू में है ये r, ये t किस में है, इंटू में इधर आके बटा k बराबर 1 बटा t ln r नॉट। अब ln को हम लॉग में चेंज कर सकते हैं, तो लॉग 2.303 बटा t लॉग आर नॉट बटा आर, यही वेग स्थिरांक का व्यंजक है। आई होप ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।